हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन ऐप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है तो आपको खाली एक ऐप डाउनलोड करना है आपके मोबाइल के अंदर, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग के नाम से। अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए करना चाहते हैं तो प्लस पॉइंट ऑनलाइन डॉट कॉम ये हमारी वेबसाइट है। आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए भी ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हो। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन कोर्स, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑलरेडी कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, एडवांस एक्सेल है, मोबाइल रिपेयरिंग है। ऐसे कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जल्दी हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटोकैड और कंप्यूटर बेसिक्स भी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, चले आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रैनसमवेयर। रैनसमवेयर शायद अपने नाम कभी शायद सुना रहेगा, किसी लोगों ने नहीं भी सुना रहेगा। तो आज मैं इसकी डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रैनसमवेयर है क्या। दोस्तों, ये एक प्रकार की थ्रेट है, यानी कि धमकी है, जिसके ज़रिए आपको पैसे देकर आपको अपने कंप्यूटर को छुड़ाना रहता है। बेसिकली कंप्यूटर जो रहता है वो लेकर नहीं जाते उनके घर पे, लेकिन वो एक धमकी आपको भेजते हैं और आपका डेटा जो रहता है वो चुराने की कोशिश करते हैं, या डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट यानी एक प्रकार का लॉक कर देते हैं, जिनकी जिसकी जो चाबी रहती है वो उनके पास रहती है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी डेटा रहेगा वो ओपन नहीं होगा, और अगर आपको डेटा ओपन करवाना है तो वो जो उन्होंने मांगे हुए जो पैसे रहते हैं वो आपको उनको पे करने पड़ते हैं, उसके बाद वो आपका डेटा खोल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका डेटा खोल के ही दे, या आपको हो सकता है कि पैसा लेने के बाद आपसे बातचीत भी ना करें। तो ये सब जो चीज़ें रहती है हम लोग उसको बोलते हैं रैनसमवेयर। ओके, तो बेसिकली जैसा कोई किडनैपिंग होता है और पैसे की डिमांड करता है, ये किडनैपिंग की जगह पे आपकी जो फाइल्स रहेगी उसको लॉक कर दिया जाता है, और उसके ज़रिए आप आपके मतलब फाइल को खुलवाने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैनसमवेयर। हालांकि उसके कई सारे प्रकार हैं। रैनसमवेयर की जो शुरुआत हुई थी वो 2005 से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर पूरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। आज 2016-17-18 के आसपास कई सारे रैनसमवेयर ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में, कि जिसके ज़रिए आपका जो डेटा रहता है वो अनसिक्योर हो जाता है। हालांकि रैनसमवेयर आने का कुछ ज़रिया रहता है, वो ज़रिए के सहारे ही रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर भी आ सकता है। अभी तो मोबाइल को भी हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रैनसमवेयर के प्रकार की बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रैनसमवेयर है क्या। तो ये आइडिया जो है रैनसमवेयर का वो बहुत ही सिंपल है। इसका जो मकसद है वो आपका डेटा जो है वो साइलेंटली चुरा लेना, मतलब लेना, उसको एनक्रिप्ट कर देना है कि ताला लगा देना, और फिर आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इतना बिटकॉइन, या बिटकॉइन का मतलब ये है ना कि एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि मार्केट में जो पैसे की जगह पे अभी बिटकॉइन का व्यवहार होता है। बिटकॉइन को खासियत ऐसी है कि उसको ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट ने तो उसको बाकायदा इलीगल घोषित भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग बिटकॉइन खरीदते हैं और बेचते भी हैं, और एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए के आसपास चल रही है अभी। तो एक बिटकॉइन की कीमत इतनी है तो समझो कि किस प्रकार से, और उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना होने की वजह से उसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके अंदर जनरली व्यवहार होता है अभी, और इसकी जो डिक्रिप्ट की यानी कि ताला लगाने के बाद उसकी जो की रहता है वो उनके पास रहती है। कभी कभार तो ये डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज़ भी होती है। पहले समझो डिमांड किया रहेगा 10 बिटकॉइन का, फिर बोलेंगे 11 बिटकॉइन दो, 15 बिटकॉइन दो। कभी कभी आपके ये जो कुछ प्रकार के जो रैनसमवेयर रहता है, आपके कंप्यूटर तो इन्फेक्ट करेंगे, साथ में पूरा नेटवर्क भी आपका इन्फेक्ट कर लेंगे। कुछ कुछ केस में तो आपके जो पासवर्ड्स रहते हैं, बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, वो भी आप वो लोग ले लेते हैं। तो ये सब प्रकार के रैनसमवेयर है, और कभी कभी तो आपको एक लिमिट दिया जाता है, अगर वो टाइम तक आप नहीं देंगे पैसे तो डेटा भी आपका करप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैनसमवेयर। उसके प्रकार की बात करें, ये देखो, ये आपको जो ये लॉक दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक रैनसमवेयर है जो मेरे क्लाइंट कंप्यूटर में आया हुआ है। जब भी कंप्यूटर चालू करते हैं ना, डायरेक्टली यही मैसेज आ जाता है, मतलब विंडोज़ का लोगो वगैरह आता है, मतलब जो आइकॉन्स वगैरह भी आ जाता है, उसके बाद में ये मैसेज डिस्प्ले होता है कि योर फाइल हैज़ बिन एनक्रिप्टेड। अगर आपको ये फाइल खुलवाना है तो इतने बिटकॉइंस वगैरह, देखो यहाँ पे बिटकॉइन परचेस करने का भी लिंक दे दिया है, और उसको मैनेज करने का भी लिंक दे दिया है, हर चीज़ यहाँ पे दे दी है, और बताया गया कि इतने टाइम पीरियड में दो, या ऐसा है वैसा है जो भी है, या आप मेल करो इस नंबर, इस आईडी पे। तो इस तरीके से इसके अंदर व्यवहार होता है। तो बेसिकली इससे होता क्या है ना कि आपकी जो फाइल्स वगैरह रहेगी ना, उसका एक्सटेंशन जो है, मान लो कि पहले जो फाइल का नाम इतना ही था, फिर आप देखोगे ना तो एक्सटेंशन इतना बड़ा हो गया रहेगा अपने आप ही,
आगे पीछे डॉट जावा या डॉट समथिंग आ जाएगा, और आपकी जो फाइल है वो वाइट कलर में हो जाएगी इस तरीके से। उसको डबल क्लिक करने पर आपको इस तरह से लैंग्वेज में ही खुलेगा, आपका जो भी अंदर का कंटेंट रहेगा वो नहीं दिखाई देगा। ये बोलते हैं हम लोग इन्फेक्टेड फाइल, यानी कि रैंसमवेयर से जो ख़राब हो गई जो फाइल है वो ये है फाइल। अभी हम लोग देखते हैं कि कॉमन कौन से टाइप के रैंसमवेयर रहता है। तो सबसे पहला अगर प्रकार की बात करें तो लॉकर रैंसमवेयर, इसमें हम लोग देखेंगे रिवर्टन। तो ये रिवर्टन जो है ये बेसिकली एक अजीब सा एंटी बेसिक रैंसमवेयर है। ये क्या करेगा ना, आपके कंप्यूटर में इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा FBI का फाइल या कोई एक जज का ऐसा फाइल दे देगा, और बताएगा कि ये जो है इलीगल प्रोसेस है, आपको इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह ऐसे कई सारी चीज़ों पे आपको बताएगा कि आपने ये किया है, आपने वो किया है, आपको इतना फाइन लगेगा। तो कभी कभी तो आपका पासवर्ड भी वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे जो रहती है। और उसमें बताया जाता है कि आप इतना फाइन पे करना है आपको। तो ये एक प्रकार का रैंसमवेयर है। ये 2005 के आसपास बहुत पॉपुलर हुआ था, 2005-06 के आसपास, फिर 10 में भी आया था, लेकिन ये इस अच्छी तरह से उसको निकाल दिया गया, अभी वो फ़िलहाल नहीं आता है। इसके बाद में आता है क्रिप्टो रैंसमवेयर, क्रिप्टो रैंसमवेयर नहीं, क्रिप्टो लॉकर करके एक रैंसमवेयर आता है। क्रिप्टो लॉकर में होता क्या है कि एक आपको ईमेल आता है, ईमेल के अंदर आपको कुछ यूआरएल्स वगैरह रहता है या कुछ भी एक फ़ाइल वगैरह रहेगी, जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे ना आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है। ओके, घुस, ये बेसिकली 2013 की बात हो रही है कि इसमें इस टाइप का रहता है। और क्या करता है ना, आपके यूज़र का जो डेटा रहता है वो उसको पहचान लेता है, पहचानने के बाद लगभग 70 अलग अलग फाइल के कमांड्स को वो इस्तेमाल करके वो फाइल को एनक्रिप्ट कर लेता है। और एक बार सभी फाइल्स एनक्रिप्ट होने के बाद आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इस मैसेज में आपको पेमेंट के बारे में लिखा रहेगा कि आपका जो ये है वो एनक्रिप्ट कर लिया गया है, आप इतना पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे अच्छी तरह से मतलब पेमेंट जो रहता है वो उसकी डेडलाइन भी दी जाती है, अगर आप वो डेडलाइन में पेमेंट नहीं करते तो आपका जो डेटा है वो बेसिकली निकाल भी देते हैं वो लोग। ओके, या तो कि आपका जो रहता है वो लोग छुपा देते हैं या डिलीट कर देते हैं, जिसके ज़रिए आप कभी भी उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इस तरीके का आपको फ़ोटो दिखाई देता है, जो आमतौर पर इस जो क्रिप्टो लॉकर जो रहता है वो इस प्रकार का आपको मैसेज दिखाई देगा आपके कंप्यूटर में। ओके, तीसरा आता है क्रिप्टो वॉल, ये बेसिकली 2014 2015 के आसपास बहुत फेमस हुआ था। ये भी बेसिकली क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही आधारित था, यानी ये भी पैसे जो व्यवहार होता था इसके अंदर भी वो बिटकॉइन या उसके माध्यम से होता, हालांकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी है, लेकिन बिटकॉइन अभी भी चल रहा है, इलीगली चल रहा है लेकिन चल रहा है। ओके, तो आज की तारीख में भी मैंने जैसे बताया मेरे क्लाइंट को जो हुआ है उनको लगभग 1 बिटकॉइन का उनको डिमांड है, तो 1 बिटकॉइन दो और आपका डेटा खुलवा के लो। तो इस तरीके से भी होता है, हालांकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभार कुछ कुछ केस में सॉल्यूशन नहीं हमको मिल पाता, हमको डेटा वेस्ट जाता है या डेटा हमारा ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस में हम लोग रिकवर कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे कैसे। ओके, तो चलिए क्रिप्टो वॉल के अंदर क्या होता है ना कि ये बेसिकली एक डिक्रिप्शन सर्विसेज ही आपको रहता है, और आपने समझो कोई एक ऐसा अजीब सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, उसमें लिंक रहती है। ओके, या ईमेल आ जाएगा कुछ अटैच किया हुआ जिसमें वर्ड की फाइल रहेगी, या कुछ अलग सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के या टैक्स के रिलेटेड कोई मैटर रहेगा, और अजीब सा उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलता रहेगा, और जैसे ही आपने उस पर क्लिक कर दिया ना तो अचानक से कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे इंटरनेट को बेटर प्लेस करने की करो, इतना इतना पेमेंट करो, ये सब ऐसा इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। देखो तो ये जो है एक एग्जांपल दिया गया है कि ये क्रिप्टो वॉल का इस तरीके का आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इतना पेमेंट करना है, आपको डेडलाइन भी दी जाती है अमाउंट की, और इतना अमाउंट भी देना है। तो इस तरीके से ये जो रहता है क्रिप्टो करेंसी रहता है। तो उसके बाद में आता है CTB लॉकर, तो ये भी एक प्रकार का डिक्रिप्शन टूल है, इसमें भी बिटकॉइन के जरिए ही व्यवहार किया जाता है बेसिकली। अब ये भी 2014-15 की ही बात है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। और इसमें क्या होता है ना कि ये जो द ऑथर रन्स अ मैनेज टू रैंसम वेयर एंड इट्स कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वाइल अफेयर पेमेंट अ मंथली फीस टू एक्सेस द रैंसम वेयर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द विक्टम दोज देयर ओन स्पैम ईमेल। यानी कि क्या होता है ना कि एग्जैक्टली ये CTB क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
कि एक बार आपको डिमांड किया जाएगा कि इतना भरो, एकदम छोटी सी अमाउंट रहेगी, आपको इतना भरेंगे वो खोल के दे देगा। फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद वापस आपका जो है सिस्टम हैक हो जाएगा और उसमें वापस आपको या मंथली फीस वो लोग बोलेंगे कि इतना दे देना है। अगर आप वो पेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो डेटा है वो गायब हो सकता है, आप वो डेटा को आप बेसिकली कॉपी भी नहीं कर सकते, इस तरह से वो कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो ये जो है एक प्रकार की CTV लॉकर हम लोग जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है टॉरेंट लॉकर। बेसिकली टॉरेंट लॉकर जो है ये ईमेल के ज़रिए आने वाला वायरस है। इसमें ऐसा रहता है ना कि एक टॉरेंट की फाइल रहती है, वो आप जैसे ही डाउनलोड करें, ईमेल एड्रेस जो है आपका जाना पहचाना कभी कभी होता है, या अचानक से कोई अलग अजीब सा ईमेल आईडी आ जाएगा जिसके अंदर स्पाम मेल रहेगा, ओके। और जैसे ही आपने वो आपने अटेंड कर दिया यानी कि क्लिक कर दिया ईमेल के ऊपर, तो आपका जो धीरे धीरे वो आपके मशीन में फैल जाएगा और एक एक फाइल को वो इनक्रिप्ट करेगा। एक बार जब भी सब फाइल इंक्रिप्ट हो गई, उस इंक्रिप्ट होने के बाद वो आपको एक मैसेज देगा डिक्रिप्ट करने के लिए, ओके। तो और वो पेमेंट मांगेगा ऑफकोर्स बिटकॉइन के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से ये जो है टॉरेंट, बेसिकली सभी जो रैंसम वेयर है वो एक ही तरीके से फैलने की कोशिश होती है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे उसमें रहता है, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार रहता है। ये ये जो बिट क्रिप्टो करेंसी रहता है या कॉइन वॉलेट रहता है या टेस्ला क्रिप्टो रहता है, तो ये सभी प्रकार के जो मैंने बताया, तो ये अलग अलग प्रकार के जो रैंसम वेयर रहता है। हालांकि कैस्पर्स का जो है या कई सारे हैं, अभी क्विकिल है, वो लोग प्रोटेक्शन देते हैं रैंसम वेयर से बचाने के लिए। लेकिन ये कभी अगर आपके पीसी में रैंसम वेयर नहीं आया है, आप पहले ही उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले से ये एंटीवायरस वगैरह डालने का रहता है। अगर एंटीवायरस डालने के बाद अगर कोई अटैक आता है और आपने सब कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर किया रहता है, तो जनरली ये अटैक से बचाने के लिए जो हमारा कैस्पर्स का है या उस प्रकार के जो टूल्स है वो मदद स्वरूप काम करते हैं, ओके। तो ये सब जो चीज़ें हैं, वाना कराई जो है ना वो बहुत ही फेमस एंटीवायरस सॉरी रैंसम वेयर है। बेसिकली मैंने आपको जो पहला इमेज यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए ये वाला, ये जो इमेज है ना, ये इसको हम लोग क्राइसिस, ये वाना क्राई का ही भाई है, क्राइसिस रैंसम वेयर बोलते हैं हम लोग इसको। तो क्राइसिस जो रहता है ना वो एक साथ में कई हज़ारों लाखों कंप्यूटर को एक साथ में वो अटैक कर सकता है, और एक बार अटैक करने के बाद ये जनरली अनपैच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ज़रिए वो आता है, यानी कि आपने इलीगल विंडोज़ डाउनलोड किया है उसके वो ढूंढ ढूंढ के फिर आ जाता है, और उसके बाद आपका जो डेटा वगैरह जो रहता है ना वो हैक कर हो जाता है और आपका डेटा जो रहता है एनक्रिप्ट फॉर्मेट में हो जाता है। फिर ऑफकोर्स वो लोग भी डिमांड करते हैं पैसे की और आपका सो एंड सो हो जाता है। इसके अंदर लॉकी जो है ना वो एक अच्छा रैंसमवेयर था, ये 2016 में ये भी फेमस हुआ था। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेट में आपको फाइल भेजेगा, आपको लगता है, और उसमें लिखा रहेगा कि योर बिल अमाउंट इज़ सो एंड सो, प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ तो भी लिखा रहेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना, वो अचानक से क्या हो जाएगा ना, एक डिस्प्ले मैसेज आएगा कि आपके माइक्रोज में जाइए। तो माइक्रोज में जैसे ही करेंगे तो उस समय मालवेयर जो रहता है ना आपके पीसी में डलवा जाएगा, और ये मालवेयर के ज़रिए वो पीसी के अंदर फैल जाएगा और आपकी जो फाइल्स वगैरह एनक्रिप्ट कर देगा, और एक आपके वॉलपेपर में एक नोट दे देगा कि और डेटा इज़ बिन हैक। तो ये अलग अलग प्रकार से फैलने की कोशिश होता है, ये जनरली जावा स्क्रिप्ट डॉट जावा के स्क्रिप्ट में आ जाता है, तो ये भी एक अच्छा नमूना है। वैसे ही मैक रैंसम वेयर भी रहता है, ये की रेंजर जो है ना ये मैक पीसी के लिए खास बनाया गया है। हालांकि लिनक्स के लिए तो मैंने अभी तक रैंसम वेयर देखा नहीं है, लेकिन ये मैक ओएस के लिए रैंसम वेयर मैंने ज़रूर देखा है, और बेसिकली मैक कंप्यूटर को हैक करने के लिए ये रैंसम वेयर काम करता है। इसमें भी सेम प्रकार से होता है और सेम तरीके से इसमें ट्रांसमिट होता है, ये भी बिट टॉरेंट के ज़रिए, या ऐसा मतलब क्लाइंट कॉल आता है ट्रांसमिशन, कोई अचानक से डाउनलोड हो जाता है फाइल और उसके ज़रिए रैंसम वेयर इफेक्ट होता है, ओके। तो ये रैंसम वेयर के अलग अलग स्वरूप हैं। आखिरी में एनक्रिप्ट होने के बाद लगभग 300 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर ऑप्शंस हैं, अलग अलग प्रकार की जो फाइल्स है उसमें फॉर्मेट में वो चेंज होता था आपकी फाइल्स, और एक बार बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने के बाद वो लोग एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके दे सकते हैं आपको। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के रैंसम वेयर है जो आजकल बहुत सारे जगह पे देखने मिलते हैं, बहुत सारे सर्वर को हैक किया जाता है रैंसम वेयर के ज़रिए, और बदले में आपको उनको पैसा देना पड़ता है। एक बार पैसा दिया तो वो हो सकता है कि आपका रैंसम वेयर हटा दे, और हो सकता है कि ना भी हटाए। ये एक बेसिकली एक प्रकार का थ्रेट रहता है कि जो आपके पीसी का डेटा जो रहता है, बचाना है तो पैसे दीजिए वरना आपका डेटा जो है गायब कर दीजिएगा।
तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें रहती है वो अलग अलग प्रकार के रैंसम वेयर है, वो एक प्रकार का वायरस ही रहता है, लेकिन अलग प्रकार का वायरस रहता है, इसलिए उसको रैंसम वेयर रहता है, क्योंकि उसके बदले में उनको पैसे चाहिए रहता है, इसलिए उसको रैंसम वेयर बोलते हैं, ठीक है। और वो सभी फाइल को इन्फेक्ट हो जाता है, सभी फाइल के एक्सटेंशन चेंज हो जाते हैं और वाइट कलर में हो जाती है फाइल्स। तो रैंसम वेयर में ये सब चीज़ें होती है। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे का कौन सा वीडियो चाहिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी गुजारिश है, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट में लिखिए ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।